नमस्कार, मैं हर्ष सिंह बहरावत, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज गुना, आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी को अवगत है कि विगत 7-8 माह से हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है, और ऐसे माहौल में स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य को लेकर नकारात्मक भाव हमारे मन मस्तिष्क पर हावी होने लगे थे। और तब आमजन एवं पर्यावरण के प्रति अति मानवीय एवं संवेदनशील दृष्टिकोण रखने वाले माननीय श्री जस्टिस आनंद पाठक साहब ने इस ज्ञानवर्धक वेबिनार के माध्यम से ज्ञान का दीप जलाकर नकारात्मक रूपी अंधेरे से सकारात्मक रूपी उजाले की ओर ले जाने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, उसके लिए हम सभी साहब का सहृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथियों, अभी तक इस वेबिनार में हम लोगों के 4 लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, एमएसीटी केसेस, ई अवेयरनेस एंड ई फाइलिंग तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालित हो चुके हैं, और इनसे संबंधित अधिवक्तागण, पुलिस ऑफिसर्स, न्यायिक अधिकारीगण, अभियोजन के अधिकारी एवं सिविल जज तथा एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। लॉ स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिला है, और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि YouTube पे हम लोगों के इन 4 लेक्चरों के 3000 से ज़्यादा व्यूअर्स हो चुके हैं, और आपका ये प्रतिसाद हमें इस वेबिनार को और अच्छे से करने के लिए प्रेरित कर रहा है। भविष्य में भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि क्रॉस एग्जामिनेशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग आदि के संबंध में हम आगे भी लेक्चर आयोजित करने जा रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे साथी जो पूर्व में हमारे लेक्चर्स को नहीं देख पाए हैं और जो देखना चाहते हैं, उनके लिए हमने यूट्यूब पर लीगल अवेयरनेस वेबिनार के नाम से एक चैनल क्रिएट किया है, जिसकी लिंक हमने पूर्व में समय समय पर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर प्रसारित की है, और आज भी लेक्चर के दौरान चैट बॉक्स में हम उसकी लिंक प्रसारित करेंगे। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि अपराधों के तरीके बदल रहे हैं और हिंसक तथा गंभीर अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि अन्वेषण एवं विचारण में कुछ विज्ञान एवं तकनीक का समावेश किया जावे, और इसी कड़ी में डीएनए, रक्त, फिंगरप्रिंट्स आदि का संग्रहण और विचारण में उनकी उपयोगिता एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिनके माध्यम से ऐसे गंभीर मामलों में सत्यता की खोज कर हम वास्तविक अपराधी तक पहुंच सकते हैं। इस टॉपिक के साथ तथा वेबिनार की इसी श्रृंखला में एक और दीप प्रज्वलित कर रहे हैं जिला न्यायालय गुना में पदस्थ विशेष न्यायाधीश आदरणीय श्री प्रदीप मित्तल साहब। साहब का न्यायाधीश के रूप में एक लंबा समय लगभग 26 वर्षों का है, और साहब बहुत ही सरल तरीके से जटिल विधिक समस्याओं का हल प्रदान करते हैं, और इसमें साहब निपुण हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज के अति महत्वपूर्ण एवं जटिल टॉपिक के संबंध में साहब का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। अतः मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय मित्तल साहब से अनुरोध करूंगा कि वे इस अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय सर,
धन्यवाद हर्ष। नमस्कार मित्रों, जैसा कि अभी सभी को ज्ञात हुआ है और बताया गया है कि यह वेबिनार सीरीज माननीय न्यायमूर्तिगण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की प्रेरणा से जिले एवं सत्र न्यायाधीश गुना के निर्देशन में प्रसारित की जा रही है, जिसमें मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना का आभारी हूँ। वेबिनार से जुड़ने वाले अधिवक्तागण, पुलिस पर्सन, न्याय क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्ति वर्ग का मैं स्वागत करता हूँ। आज का विषय अपराध का अन्वेषण डीएनए फिंगरप्रिंट पर आधारित है। डीएनए फिंगरप्रिंट की हम बात करें तो यह प्रश्न उठता रहा है कि किसी अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं। राज्य शासन द्वारा, विधायिका द्वारा धारा 53A दंड प्रक्रिया संहिता में जोड़कर इस जटिल समस्या का समाधान कर दिया है और यह प्रावधान कर दिया गया है कि अभियुक्त से डीएनए परीक्षण हेतु रक्त के नमूने, मसल, स्वाब, बाल आदि सभी की जब्ती की जा सकती है और इस प्रश्न का निराकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने अनेकों न्यायाधीश प्रांत में किया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 22 के विरुद्ध नहीं है। अतः डीएनए फिंगरप्रिंट हेतु नमूना लिया जा सकता है। डीएनए पर विचार रखने के पूर्व यह विचार किया जाना आवश्यक है कि अन्वेषण किस प्रकार से किया जाना है, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंट भी अन्वेषण का ही हिस्सा है। पुलिस पर्सन पर हमेशा यह आरोप लगता है कि उनके द्वारा निष्पक्ष विवेचना नहीं की जा रही है। पुलिस पर्सन के ऊपर राजनीतिक, सामाजिक और कुछ व्यक्ति विशेष का भी प्रभाव रहता है। हरियाणवी पक्ष के अधिवक्ताओं पर यह आरोप लगाते हैं कि पीड़िता को उनके कारण न्याय नहीं मिल पा रहा है। व्यक्तिगत दबाव जो काम करता है, हम जिस परिवेश में पले बड़े होते हैं और उस समय जो घटनाएं हमारे मन में जन्म लेती हैं तो जीवन भर हमारे साथ रहती हैं। चाहे हम विवेचना करें या निर्णय करें, उससे निर्णय और विवेचना प्रभावित होती है। इसलिए विवेचना निष्पक्ष हो, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी प्रकार का दबाव विवेचक के ऊपर ना रहे। यह विचार मेरा निजी विचार नहीं है। पुलिस और विवेचक दबाव में रहते हैं, इसका वर्तमान उदाहरण हमारे पास सुशांत राजपूत का केस है, हाथरस प्रकरण है, जिसमें सीबीआई विवेचना, सीआईडी विवेचना की मांग जनता द्वारा रखी जा रही है। जब किसी अपराध के अन्वेषण का विषय हमारे सामने रहता है तो उस समय फरियादी या पीड़िता या विक्टिम के अधिकार एवं अभियुक्त के अधिकार, दोनों के अधिकार की रक्षा का प्रश्न हमारे सामने रहता है। कभी कभी विवेचना निष्पक्ष नहीं भी रहती है और यहीं से अधिवक्ता का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस वर्कशॉप का उद्देश्य विधि के प्रावधानों को पढ़कर सुनाना नहीं है, बल्कि विधि के क्या उपयोग हैं और किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाना है, इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसलिए हम विधि के प्रावधानों को पढ़कर सुनाने के बजाय उनके प्रयोग पर विचार करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता में
रेप के केस के संबंध में विवेचना में संशोधन के द्वारा धारा 53A और धारा 164 में प्रावधान किए गए और जोड़ा गया और विवेचक के ऊपर एक अतिरिक्त दायित्व डाला गया है कि विक्टिम का डीएनए परीक्षण कराया जाए, 164 के कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष कराया जाए। इसलिए डीएनए परीक्षण कराने से विवेचक मना नहीं कर सकते, लेकिन जहां घटना बहुत समय पूर्व की हो, घटना के समय के वस्त्र आदि सुरक्षित न रखे गए हों, या पीड़िता को संतान उत्पत्ति न हुई हो या उसका गर्भपात न हुआ और उससे संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध ना हो तो डीएनए परीक्षण की आवश्यकता नहीं रह जाती। विवेचना के दौरान डीएनए परीक्षण कराने की शक्ति विवेचक को प्राप्त है, लेकिन डीएनए परीक्षण नहीं कराया जाता था, इसलिए विधायिका द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर यह दायित्व विवेचक के रूप में अधिरोपित किया है कि पीड़िता का डीएनए परीक्षण कराया जाए। डीएनए परीक्षण केवल रेप या बलात्कार के केस में कराया जाए यह आवश्यक नहीं है, बल्कि सभी ऐसे प्रकरणों में जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध ना हो डीएनए परीक्षण कराया जाकर अपराध और अपराधी की लिंग रक्षित प्रमाणित की जानी चाहिए। अन्वेषण में यदि बचाव का कोई तथ्य आता है तो उस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि बचाव में यदि अभियुक्त अपने साक्षियों को प्रस्तुत कर घटना स्थल से अन्य स्थान पर होने की साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विवेचना में उक्त साक्ष्य उपलब्ध कराई जाती है तो विवेचक उक्त साक्ष्य को खंडित करने का अवसर रखता है और यह तथ्य आसानी से मोबाइल की कॉल डिटेल से प्रमाणित किया जा सकता है कि अभियुक्त घटनास्थल पर था या नहीं। लेकिन यदि जांच में अभियुक्त द्वारा लिए गए बचाव को छोड़ दिया जाए तो विचारण के दौरान अभियुक्त को यह अवसर नहीं मिल सकता है कि अभियुक्त के द्वारा जो साक्षी घटनास्थल से अन्यत्र उपस्थित होने के संबंध में प्रस्तुत किए जा रहे हैं वह सत्य बोल रहे हैं या नहीं। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि विवेचना में कॉल डिटेल प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अधिकृत नहीं है, कॉल डिटेल केवल पुलिस अधीक्षक के द्वारा या न्यायालय के आदेश के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है और विवेचना में पुलिस अधीक्षक कॉल डिटेल प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उक्त कॉल डिटेल केवल विवेचना की दृष्टि से सुसंगत हो सकती है, लेकिन न्यायालय में उसे प्रमाणित करने के लिए मोबाइल कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया गया साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, अन्यथा उक्त साक्ष्य के अभाव में भी पीड़ित अभियुक्त का बचाव अप्रमाणित नहीं हो सकता। अन्वेषण का अर्थ लिखाई गई प्रथम सूचना को प्रमाणित कर चालान पेश करना नहीं, बल्कि अपराध की सत्यता का परीक्षण करना है और यदि कोई अपराध हुआ है तो चालान प्रस्तुत करना है, अन्यथा FR प्रस्तुत करना है। फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है कि किसी अभियुक्त के निर्दोष होने या उसके अन्य स्थान पर होने के संबंध में साक्षाती है संग्रहित की जाना चाहिए। कई बार देखा गया है कि अभियुक्त के पक्ष में की गई साक्ष चालान के साथ प्रस्तुत नहीं की जाती, लेकिन बाद में वह साक्ष बचाव में न्यायालय के समक्ष आ जाती है, इसलिए उसे भी चालान के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे अभियुक्त साक्षी और उसके विषय में स्पष्टीकरण देने का अवसर अभियुक्त साक्षियों को मिल सके। कई बार पूर्व के मृत्यु कथन को छिपा लिया जाता है और बाद में अभिलेख पर आ जाने से उसका कोई स्पष्टीकरण अभियुक्त के पास नहीं रहता, इसलिए अन्वेषण के दौरान यदि अभियुक्त किसी प्रकार का बचाव विवेचक के सामने रखता है
उसकी जांच होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि डीएनए परीक्षण का महत्व, डीएनए परीक्षण कराने या न कराने से प्रकरण पर पड़ने वाले प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। राज्य का यह दायित्व है कि पीड़ित पक्ष को न्याय प्रदान करे तथा अपराध करने वाले व्यक्ति को दंडित करा दे तथा साथ ही राज्य का यह भी दायित्व है कि निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करे। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए राज्य में पुलिस बल की स्थापना है जो अपराध का अन्वेषण कर पीड़िता को न्याय दिलाने का कार्य करती है। दूसरी तरफ अभियुक्त को न्याय दिलाने के लिए उसके अधिकारों की रक्षा के लिए अधिवक्ता है। देखा जाए तो पुलिस का कार्य और अधिवक्ता का कार्य न्यायदान में सहायता करना है। कई बार पीड़िता अपने अपराध के संबंध में बार बार ये बताती है कि डीएनए परीक्षण करा लिया जाए, लेकिन डीएनए परीक्षण नहीं कराया जाए। दूसरी तरफ अभियुक्त भी बार बार आरोप लगाता है कि उसके पक्ष में उपलब्ध साक्ष्य को एकत्र कर लिया जाए, अनुरोध करता है लेकिन साक्ष्य एकत्र नहीं किया। इस प्रकार विवेचना में अभियुक्त एक पक्षी रहता है और निश्चित रूप से अन्वेषण कहीं ना कहीं एक पक्षीय रूप से किया जाता है। इसलिए अधिवक्ता का यह दायित्व बढ़ जाता है कि न्यायालय के समक्ष सत्यता को लाए। न्यायालय के समक्ष जब साक्ष्य प्रस्तुत की जाती है, न्यायालय का यह दायित्व है कि दोनों पक्षों की साक्ष्य में सत्य को असत्य से अलग कर न्याय करे, लेकिन जब साक्ष्य एकत्री ना की जाए तब न्याय नहीं हो सकता। इस संबंध में हम देखें कॉल डिटेल। कॉल डिटेल एक निश्चित अवधि तक ही सुरक्षित रखी जाती है, उसके बाद यदि उसे सुरक्षित नहीं रखा गया तो उसे प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सकता। जो आरोप लगाए जाते हैं वह सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी होते हैं। सत्यता का पता लगाने के लिए आज के वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध है जिसके द्वारा हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यदि साक्ष्य को सुरक्षित न किया जाए न्याय का हनन होना निश्चित है। हमारे सामने यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आज के युग में और पूर्व के युग में जब वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं थी तब भी न्याय होता था, फिर इस वैज्ञानिक साक्ष्य की आवश्यकता क्यों है। दूसरा तर्क आमजन की ओर से यह भी आता है कि यदि वैज्ञानिक साक्ष्य नकारात्मक हुई तो हमारे प्रकरण को खंडित कर देगी और संभावित इसी डर से डीएनए परीक्षण विवेचना नहीं कराएगा। अंधे कत्ल के मामले में देखा जाए तो एफएसएल की ब्लड रिपोर्ट के संबंध में कनकुली से अनुमति नहीं दिया जाता है। सतन साक्षी शस्त्रों की पुष्टि नहीं होती है, जब्ती की पुष्टि नहीं होती है, मृतक का कोई हेतु नहीं रहता है, अभी दोषमुक्त हो जाता है। अभी वर्तमान कुंडू रंजन वाले केस में 2019 क्राइम 12 एससी में यह अवधारित किया जा चुका है कि डीएनए रिपोर्ट नकारात्मक आ भी जाए तो उससे कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाता, क्योंकि यह डीएनए रिपोर्ट जो है सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस ना होकर कार्बोरेटिव एविडेंस है जो किसी साक्ष्य का खंडन या समर्थन कर सकती है। लेकिन जब रिपोर्ट समर्थन नहीं करती है इसका अर्थ ये नहीं है कि जो अन्य साक्ष्य आई है वह खंडित हो गई। इस संबंध में मैं अपने समक्ष चले प्रकरणों के बारे में जो तथ्य आए उनके विचार में शेयर करना चाहूँगा। मेरे सामने एक गंभीर प्रकृति का प्रकरण आया जिसमें अंधे कत्ल का आरोप था, किसी ने घटना होते हुए नहीं देखी थी, अभी की मृतक से कोई रंजिश नहीं थी, गांव में और आसपास के गांव में बिना किसी रंजिश के अनेक हत्याएं हो रही थी। जांच में यह पाया गया कि एक व्यक्ति पागल था और वो पागलपन की अवस्था में हत्या कर देता था, उसे अभियुक्त बनाया गया और उससे मारपीट में प्रयत्न किया गया, एक डंडा जब्त कर लिया गया
और चालान पेश कर दिया। घटनास्थल से कुछ बाल वगैरह भी जब्त हुए थे, उनको जब्त कर दिया गया। अभियुक्त के बालों की काटिंग कटिंग करके कुछ मिलान करने के लिए बाल भी जब्त किए गए। यह प्रमाणित किया गया कि बाल जो है मानव के ही है, इसके अलावा कोई साक्ष्य नहीं। और इतनी सी साक्ष्य से दो सिद्धि संभव नहीं थी, क्योंकि कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं था, जबकि स्वतंत्र साक्ष्य प्रमाणित नहीं थे। इस विषय में देखा जाए तो लोक अभियोजक के सक्रियता के कारण न्यायालय में उन्होंने आवेदन लगाया कि घटनास्थल से जो एक बाल जब्त हुआ है उसकी जांच आरोपी के डीएनए से करा ली जाए। न्यायालय ने डीएनए परीक्षण की अनुमति दी, बाल डीएनए परीक्षण को न्यायालय के द्वारा भेजा गया। डीएनए फिंगरप्रिंट रिपोर्ट में ये पाया गया कि घटना स्थल से जो एक बाल जब्त हुआ है वह आरोपी का रक्त नमूने से मिला डीएनए एक ही व्यक्ति का। इस प्रकार से यह प्रमाणित हुआ कि अभियुक्त घटना के समय घटना स्थल पर था और बाद विचारण के दौरान कई वर्षों तक वह अपने पागलपन का इलाज कराता था। इससे हम समझ सकते हैं कि डीएनए परीक्षण कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक अन्य प्रकरणों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि केवल रेप के प्रकरण में ही डीएनए परीक्षण आवश्यक है। एक दूसरा घटना का मैं प्रकरण शेयर करना चाहता हूं। एक 302 हत्या के प्रकरण में अभियुक्त ने बचाव लिया कि घटना के समय वह घटनास्थल से दूर 300 किलोमीटर था और घटना के समय ही विवेचक ने अपने मोबाइल से उससे बात की और उसने अपनी पूरी बात बताई। विवेचक का मोबाइल नंबर, अभियुक्त का मोबाइल नंबर, सभी तथ्य न्यायालय में रखे गए। विवेचक से इस संबंध में प्रश्न पूछे गए कि आपकी अभियुक्त से घटना के समय बात हुई थी, तो उन्होंने चूंकि कोई जांच की ही नहीं इस संबंध में, इसका कोई जवाब नहीं दे सके। लेकिन यह प्रमाणित हुआ कि मोबाइल नंबर उनका है, अभियुक्त का है और कॉल डिटेल से यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि उनकी घटना के समय अभियुक्त से बात हुई थी, जो कि घटना स्थल से 300 किलोमीटर दूर था। ऐसे बचाव का विवेचक के द्वारा कोई जवाब न दिया जाना कहीं ना कहीं अभियोजन को नुकसान पहुंचाता है और प्रकरण का निराकरण दोष मुक्ति में। वैज्ञानिक साक्ष्य का संग्रहण कितना आवश्यक है इस बिंदु से हम समझ सकते हैं। अक्सर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से यह सुनने में आता है कि डीएनए परीक्षण इसलिए नहीं किया गया क्योंकि डीएनए परीक्षण के लिए विवेचक ने निवेदन नहीं किया। एफएसएल रिपोर्ट में ब्लड का कंफर्मेशन नहीं किया गया और डीएनए परीक्षण भी नहीं कराया गया, ये अभियोजन के लिए एक घातक परिस्थिति है। यदि डीएनए परीक्षण कराया जाता सही स्थिति अभिलेख पर आ सकती थी। विवेचक को मालूम था कि डीएनए परीक्षण कराने से उनके पक्ष में रिपोर्ट नहीं आएगी, या उन्हें भ्रम था कि डीएनए परीक्षण रिपोर्ट उनके पक्ष में न आने पर मामला खंडित हो जाएगा। फिर मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें यह समझना चाहिए कि डीएनए परीक्षण रिपोर्ट से मामला खंडित नहीं होता। इसके संबंध में पुट्टू स्वामी केस अवलोकनीय है, बल्कि यह अतिरिक्त साक्ष्य है जो मामले को समर्थन करती है। यदि
अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति की डीएनए प्रोफाइल प्राप्त होती है तभी मामला खंडित हो सकता है, अन्यथा डीएनए परीक्षण रिपोर्ट से मामला खंडित नहीं होता है। यह केवल एक एक्सपर्ट एविडेंस है जो किसी तथ्य का समर्थन या खंडन कर सकती है। डीएनए परीक्षण कराया जाना क्यों आवश्यक है, इसके लिए मैं एक और केस का अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक मामले में 4 साल के बालक का अपहरण हुआ और अपहरण के बाद उसकी हत्या कर उसका शव कुएं में फेंक दिया गया। कुएं में पानी था जिसके कारण शव काफी फूल गया और वो ऐसा दिखाई देने लगा जैसे किसी 15 वर्षीय व्यक्ति का शव है। जिस बच्चे का अपहरण हुआ था उसके माता पिता ने शव को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी आयु 15 वर्ष से अधिक की दिखाई दे रही थी। बाद में विवेचना में केवल इस आधार पर कि जो शव था उसके कमर पर काले रंग का डोरा बंधा था उसे देखकर शव को पहचान लिया गया। लेकिन जब न्यायालय में विचारण हुआ तो सबके मृतक के माता पिता ने यह बताया कि उनका लड़का जो था काले रंग का डोरा कमर में बांधता ही नहीं था और इस आधार पर शव की शनाख्त ही प्रश्नगत हो गई। ऐसे में लोक अभिव्यक्त की सक्रियता के कारण उन्हें मृतक का जो विसरा सुरक्षित रखा गया था उसका डीएनए परीक्षण मृतक के माता पिता के डीएनए से कराया गया और ये सुनिश्चित हो सका कि जो शव प्राप्त हुआ है वह अपहृत व्यक्ति का ही है और इस प्रकार से पीड़ित पक्ष के साथ न्याय हो सका। इसी प्रकार का एक और प्रकरण मेरे सामने चला जिसमें एक व्यक्ति की हत्या का मामला मृतक के माता पिता ने अपने रंजिश रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज कराया। पुलिस ने FIR दर्ज कर विवेचना में आई और व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसका साक्ष्य प्रदान का मेमोरेंडम लेकर उससे एक कब्रिस्तान में गड़ा हुआ शव और तसले फावड़े आदि जब्त किए गए। शव की पहचान क्योंकि शव जो गल चुका था केवल हड्डियां शेष थी, शव की पहचान उसके पिता ने केवल इस आधार पर की कि उनका लड़का एक पैर में लोहे के तार का रिंग तारनुमा रिंग पहनता था जो हड्डियों में पहना हुआ मिला और इस आधार पर हत्या का प्रकरण अभियुक्त के विरुद्ध पेश किया गया। प्रकरण तथ्य न्यायालय द्वारा विचारणीय था। जैसे ही प्रकरण प्रस्तुत हुआ और उसके कमिट करने का अवसर आया इसके पूर्व ही जिस व्यक्ति की हत्या का प्रकरण पुलिस ने विवेचना कर प्रस्तुत किया था वह व्यक्ति लौट कर अपने घर वापस आ गया। अब लौट कर घर इसलिए आ गया क्योंकि उसके पास विकलांग होने के कारण रेल में यात्रा करने का पास था और वह घूमने बॉम्बे चला गया। यदि ऐसे प्रकरणों में बिना डीएनए परीक्षण कराए और केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अन्वेषण का चालान प्रस्तुत कर दिया जाए तो अभियुक्त पक्ष को क्या हानि होगी इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। इससे संबंधित एक और प्रकरण मेरे ज्ञान में है जो राजस्थान से संबंधित था जिसमें एक लड़की के अपहरण और हत्या का मामला चला और उसमें 2 सिद्धि हुई। हाईकोर्ट से भी 2 सिद्धि कायम रखी गई और तो मामला सर्वोच्च न्यायालय ने विचाराधीन था। इसी दौरान जिस महिला का हत्या का केस उसके ऊपर चला था वह लौट कर जिंदा वापस आ गया।
इस प्रकरण में भी शनाख्त केवल मृतक के कपड़ों के आधार पर उसके परिवारजन ने की थी। तो ये औपचारिक रूप से मैंने अपने अनुभव शेयर किए कि डीएनए परीक्षण क्यों और कितना आवश्यक है। डीएनए फिंगरप्रिंट से कैसे सहायता मिलती है? आज डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक ने अपराध के संबंध में घटना स्थल पर पाए जाने वाले जैविक नमूने के स्रोतों की पहचान और पितृत्व और मातृत्व के विवादों को हल करने के लिए संभव बना दिया। डीएनए के लिए सागर और हैदराबाद में दो प्रयोगशालाएं हैं जो इनकी पहचान करती है। हत्या के मामलों में घटना स्थल पर अपराध से संबंधित मिलने वाली साक्ष्य को जैविक साक्ष्य से जोड़ती है और मृतक के पहचान को भी डीएनए परीक्षण से प्रमाणित किया जा सकता है। बच्चों की अदला बदली के मामलों में भी डीएनए परीक्षण महत्वपूर्ण है। डीएनए परीक्षण पर जाने के पूर्व हमें यह समझना आवश्यक है कि डीएनए है क्या, कैसे प्राप्त होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल कोशिका, जिससे मानव टिश्यू, मानव के अन्य ऑर्गन, ब्लड आदि निर्मित होते हैं। कोशिका में दो प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, जिसे ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वह डीएनए है, जो कि एक जेनेटिक कोड है और यह मानव की जैविक आइडेंटिटी को निर्धारित करता है। दो व्यक्तियों का जैविक कोड एक सा नहीं हो सकता है। इसके आधार पर हम मानव की आइडेंटिटी कोड को निर्धारित कर सकते हैं। जेनेटिक कोड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में केवल जन्म के आधार पर, जन्म लेने के बाई बर्थ ही पहुंचता है और इस आधार पर हम किसी व्यक्ति के बायोलॉजिकल फादर या बायोलॉजिकल मदर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुरुष में पाए जाने वाले क्रोमोसोम में एक्स और वाई कैटेगरी दो क्रोमोसोम रहते हैं और महिला में एक्स और एक्स कैटेगरी के दो क्रोमोसोम रहते हैं। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो एक क्रोमोसोम मेल का और एक क्रोमोसोम फीमेल का बच्चे में पहुंचता है और इस आधार पर एक नया डीएनए निर्मित होता है, परंतु उस डीएनए में माता और पिता दोनों के डीएनए की उपस्थिति से यह पता लगाया जा सकता है कि उस बालक के बायोलॉजिकल माता पिता कौन है। डीएनए परीक्षण रिपोर्ट एक फुल प्रूफ रिपोर्ट है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के अंतर्गत साक्ष्य में आए हैं और इसे केवल चुनौती नमूने के संग्रह के आधार पर ही दी जा सकती है, अन्यथा यह एक तकनीकी रिपोर्ट है जिसको चुनौती देना अन्य आधारों पर संभव नहीं हो सकता। डीएनए परीक्षण रिपोर्ट से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हथियार पर पाया जाने वाला रक्त और मृतक का रक्त एक ही व्यक्ति का है, घटना स्थल पर पाया जाने वाला रक्त, मृतक के कपड़ों पर पाया जाने वाला रक्त एक ही व्यक्ति का है और ये कनेक्टिंग साक्ष्य है जो न्याय प्राप्ति के लिए आवश्यक हो सकती है। डीएनए परीक्षण हेतु मानव शरीर की कोशिका से डीएनए प्रोफाइल प्राप्त की जा सकती है, इसलिए मानव शरीर से प्राप्त उसकी हड्डियां, मसल्स, दांत, बाल के नमूने, पसीना,
स्वाब से भी डीएनए प्रोफाइल प्राप्त की जा सकती है। बाल के बाल से डीएनए प्रोफाइल प्राप्त करने के लिए आवश्यक है बाल जो है उसकी जड़ सहित। हड्डियों से डीएनए प्रोफाइल प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हड्डियां टूटी हुई ना हो, इसलिए ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि जब्ती के समय यदि बाल की जब्ती की जाना है तो जड़ सहित हो, हड्डी को जब्त किया जाना है तो पूरी हड्डी को। जहां तक डीएनए परीक्षण हेतु नमूना संग्रहित करने का प्रश्न है, नमूना पसीने से भी प्राप्त हो जाता है, इसलिए नमूना संग्रहित करने वाले व्यक्ति को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नमूना संग्रहित करते समय अपना पसीना उस नमूने पर ना लगे, इसलिए अपने हाथ ग्लोव से ढके हों। डीएनए परीक्षण के संबंध में परीक्षण पद्धति और उसके परिणाम को चुनौती नहीं दी जा सकती। केवल परीक्षण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया जैसे घटना स्थल से नमूने की जब्ती, जब्ती के पश्चात प्रयोगशाला में भेजे जाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को प्रश्नगत किया जा सकता है। डीएनए परीक्षण रिपोर्ट में न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि नमूने के संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह घटना स्थल से जब्त नमूने की नहीं है, सैंपल को प्रयोगशाला भेजने में त्रुटि हुई। सैंपल को प्रयोगशाला भेज जाने में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाए इसके संबंध में किसी प्रकार के नियम नहीं, इसलिए हमें केवल सावधानी जो नमूने को भेजने में रखनी चाहिए सामान्यतः वही विचार में लेना चाहिए। जैसे चिकित्सक द्वारा जब नमूने को सील बंद किया और उसकी पृथक से सील बंद की, दोनों को विश्लेषक को भेजा जाना चाहिए, तथा जब अस्पताल से प्राप्त नमूने और घटनास्थल से जब्त की गई सामग्री को जब्त कर एफएसएल को भेजा जाना है, तब भी जब्ती पर जो नमूना है उसे प्रत्यक्ष से सील बंद कर एफएसएल को भेजा जाना चाहिए। एफएसएल जांच अधिकारी को चाहिए कि दोनों सीलबंद नमूने की जांच करें और ये पाए दोनों नमूने पर लगी हुई सीलें इंटैक्ट हैं, और इस तथ्य को रिपोर्ट में लिखना भी चाहिए। नमूने को किस प्रकार से लिया जाना है इसकी प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53(5) में दी गई है। जब कभी डीएनए परीक्षण के लिए नमूना लिया जाएगा कैसे लिया जाएगा, सर्वप्रथम चिकित्सक को चाहिए कि वह उस व्यक्ति को जिसका नमूना लिया जा रहा है, कौन व्यक्ति लेकर आया उसका नाम लिखे, पूरा नाम पूरा पता लिखे, जिस व्यक्ति का नमूना लिया जा रहा है उसका फोटो लगाए, उसकी आइडेंटिटी ले, उसको दो साक्ष्यों से प्रमाणित कराए। चिकित्सक को चाहिए कि अपने हस्ताक्षर और नाम से उसे प्रमाणित करे और विवेचक के हस्ताक्षर। इस संबंध में एफएसएल द्वारा एक निर्धारित प्रारूप आइडेंटिफिकेशन जारी किया है जिससे नमूने संग्रहित किए जाते हैं। प्रायः ये देखा जाता है कि जब एफएसएल से रिपोर्ट आती है तो आइडेंटिफिकेशन फॉर्म लौट कर साथ में नहीं आता, और जब तक आइडेंटिफिकेशन फॉर्म को न्यायालय में प्रमाणित न किया जाए कि किस व्यक्ति का नमूना लिया, किसने लिया, क्या प्रक्रिया अपनाई, तब तक एफएसएल रिपोर्ट पर अधिक विचार नहीं किया सकता, क्योंकि यह प्रमाणित करना अभियान का दायित्व है कि वह आइडेंटिफिकेशन फॉर्म को एफएसएल से बुलाकर साक्ष्यों से प्रमाणित कराए
कि नमूना किस व्यक्ति का लिया गया है। इसी प्रकार का ही नमूने को एफएसएल भेजने की प्रक्रिया में ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि नमूना कौन व्यक्ति लेकर गया, कब जाकर उसने दिया, किसने प्राप्त किया। जब तक पूरी लिंक इस संबंध में प्रमाणित न की जाए तब तक डीएनए रिपोर्ट को संदेह से बाहर नहीं रखा जा सकता। इसे केवल हम इस प्रक्रिया के आधार पर ही चुनौती दे सकते हैं। डीएनए परीक्षण के लिए पूर्व में अपनाई जाने वाली परंपरागत प्रक्रिया ऑटोसोमल एसटीआर से परीक्षण करने पर की जाती थी। यह प्रक्रिया जो थी एक्स और वाई क्रोमोसोम को विभेदित नहीं कर सकती थी, इसलिए इस प्रक्रिया को उपयुक्त नहीं माना गया। वर्तमान में वाई एसटीआर प्रक्रिया अपनाई जा रही है और यह प्रक्रिया एक्स और वाई क्रोमोसोम को पृथक करने में सक्षम है और इसलिए और विश्वसनीय है, इसलिए इस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। इस संबंध में रवि विरुद्ध महाराष्ट्र क्रिमिनल अपील नंबर 1488/2018 निर्णय दिनांक 3 अक्टूबर 2019 अवलोकनीय है। इसलिए हम डीएनए रिपोर्ट को कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में मान सकते हैं और यह जांच और विचारण के लिए कितनी आवश्यक है यह हम ऊपर देख चुके हैं। अन्वेषण की बात करें, जैसे ही धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अब संगे अपराध के संबंध में प्रथम सूचना लेखबद्ध की जाती है, अन्वेषण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अन्वेषण में नक्शा मौका बनाना, पहचान परेड कराना, कथन लेना, जब्ती करना, गिरफ्तारी करना, मेमोरेंडम, मृत्युपूर्व कथन आदि महत्वपूर्ण स्टेज से विवेचना गुजरती है। असंगे अपराध में भी न्यायालय के आदेश से अपराध का अन्वेषण किया जाता है। नक्शा मौका साक्ष्य प्रदान की धारा 3 के अंतर्गत पहचान परेड, धारा 11 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के अंतर्गत साक्ष्यों की कथन, धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मृत्युपूर्व कथन, धारा 32 साक्ष्य प्रदान के अंतर्गत लेखबद्ध कर लिए जाते हैं। नक्शा मौका विवेचक को घटनास्थल पर स्वयं जाकर मौका मुआयना कर बने जो तथ्य उन्हें मिले उसके आधार पर बनाना चाहिए। यदि नक्शा मौका साक्षी के बताए अनुसार बनाया गया है तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से हिट होकर साक्ष्यों का आय नहीं होगा। इस संबंध में 1956 AIR सुप्रीम कोर्ट 526 संता सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य अभियुक्त और यही अभियुक्त का बचाव है और इसे चुनौती इस आधार पर दी जा सकती है। अतः विवेचना में सावधानी जरूरी है तथा साक्ष्य के दौरान भी यह सावधानी जरूरी है कि यदि बचाव अधिवक्ता नक्शा मौका दिखाकर प्रश्न करते हैं कि साक्षी कहाँ खड़े थे, अवरोध कहाँ खड़ा था, आहत कहाँ था, तो विवेचक को ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से बचना चाहिए क्योंकि वह चक्षु साक्षी नहीं। लेकिन जब साक्षी के कथन के आधार पर किसी तथ्य को खंडित या समर्थन करने के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर दिया जाना चाहिए, लेकिन नक्शे मौके के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि विवेचक चक्षु साक्षी नहीं। जहां इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे CDI विवेचना में प्राप्त की जाती है उसे प्रमाणित करने के लिए मोबाइल कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर से प्रमाण पत्र लेकर साक्षी बनाना चाहिए। उक्त रिपोर्ट साइबर सेल के आरक्षण से प्रमाणित नहीं हो सकती, इसलिए बचाव पक्ष को साक्ष्य में प्रदर्शन के दौरान ये आपत्ति लेना चाहिए। यदि ये आपत्ति साक्ष्य में नहीं ली गई और साक्ष्य में ग्राह्य कर ली गई तो बाद में इसे प्रश्न नहीं किया जा सकता। इस संबंध में 2017 SCC 765 सोनू विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा अवलोकनीय, आपत्ति को निर्णय के लिए सुरक्षित कर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि निर्णय के समय
रिपोर्ट को अग्राह्य किया गया तो अभियोजन को रिपोर्ट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिलेगा और फेयर ट्रायल नहीं होगा। अतः आपत्ति प्रदर्शन के दौरान ही निराकृत होनी चाहिए। यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि आपत्ति उसी समय की जावे और विवेचना में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए। इस संबंध में बिपिन शांतिलाल विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात का सहारा लेकर कई बार आपत्ति को निर्णय के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। मेरे मत में ऐसी आपत्तियों को सुरक्षित निर्णय के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिसमें मोड ऑफ प्रूफ की आपत्ति ली गई। ऐसा कोई दस्तावेज जो स्वयं ही साक्ष्य में अग्राह्य हो, उस दस्तावेज के लिए तो हम निर्णय के लिए सुरक्षित रख सकते, लेकिन यहाँ बात मोड ऑफ प्रूफ की हो उसे हमें तत्काल निराकृत करना चाहिए, अन्यथा यह फेयर ट्रायल नहीं होगी। इस संबंध में 2010 SC 529 आरबी वेंकट चलैया विरुद्ध अरुलिंगम बिंगू विश्वनाथ का केस अवलोकनीय, जिसमें यह कहा गया है कि जब जहां बात मोड ऑफ प्रूफ की हो, जिस समय आपत्ति ली गई है उसी समय निराकृत होनी चाहिए। और जहां तक CDR के प्रमाण पत्र का प्रश्न है, यह मोड ऑफ प्रूफ से संबंधित है, इसलिए इसका निराकरण उसी समय कराया जाना चाहिए। अपराध का अन्वेषण बहुत ही औपचारिक रूप से किया जाता है जहाँ की प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है। वहाँ अन्वेषण में बहुत अधिक गहराई तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। फरियादी चक्षु साक्षी, जब्ति, गिरफ्तारी, साक्ष्य कथन का परीक्षण कर अन्वेषण पूर्ण हो जाता है। लेकिन जहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ उस मामले में विवेचक की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे मामलों में बिना वैज्ञानिक साक्ष्य को एकत्र किए अपराध को प्रमाणित नहीं किया जाता। कई मामलों में मोबाइल कॉल डिटेल, टावर लोकेशन प्राप्त कर ली जाती है, लेकिन उन्हें प्रमाणित करने के लिए मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को ना तो न्यायालय में परीक्षित कराया जाता है, ना ही उनसे रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। बचाव पक्ष को न्यायालय में परीक्षण के दौरान सतर्क रहना चाहिए और जब भी रिपोर्ट न्यायालय में प्रदर्शित होती है तो उसी समय आपत्ति करना चाहिए कि रिपोर्ट प्रमाणित नहीं हो सकती। यदि इस प्रकार की आपत्ति नहीं ली गई तो बाद में प्रस्तुत रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ आपत्ति का निराकरण भी उसी समय होना चाहिए जब वह ली जाए, अन्यथा निष्पक्ष विचारण नहीं होगा, क्योंकि यदि विचारण के समय आपत्ति ली जाती है तो संभवतः अभियोजन के पास सर्विस प्रोवाइडर से रिपोर्ट प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध रहता है और उसे बुलाकर प्रमाणित कर सकता था। इस प्रकार कमी रहने से अभियोजन एवं अभियुक्त दोनों को ही नुकसान हो सकता है। कॉल डिटेल के संबंध में टावर लोकेशन तो प्रस्तुत कर दी जाती है, लेकिन वह टावर किस स्थान पर लगा हुआ इस तथ्य को प्रमाणित करने का प्रयास नहीं किया जाता। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए रेवेन्यू अधिकारी मौके पर जांच कर बता सकते हैं कि घटना स्थल किस सर्वे नंबर में है और टावर लोकेशन किस सर्वे नंबर में है, कितनी दूर पर है। इस प्रकार केवल कॉल डिटेल और टावर लोकेशन प्रस्तुत करने से भी घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति प्रमाणित हो सकती है। पहचान परेड में आवश्यक है कि गिरफ्तारी के समय फरियादी ने उसे ना देखा हो और पहचान होने तक उसे देखने का अवसर ना मिला हो, लेकिन विचारण के दौरान यह साक्ष्य आ जाती है। फरियादी ही गिरफ्तार करने वाली टीम के साथ था और थाने पर बुलाकर अभियुक्त से मिलवाया गया था। अतः इस बिंदु पर यह ध्यान देना आवश्यक है, अन्यथा यह तथ्य भी अभियोजन के विरुद्ध है, साथ ही अभियुक्त का बचाव से प्रतिपक्ष में पूछा जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पहचानने वाला व्यक्ति मानसिक या अन्य प्रकार से डिसेबल पर्सन है तो उसके संबंध में वीडियो रिकॉर्डिंग करानी चाहिए तथा मजिस्ट्रेट से पहचान की अनुमति भी लेना चाहिए। अन्वेषण निष्पक्ष नहीं था, इसके संबंध में भी एक मैं प्रकरण को शेयर करना चाहता हूँ। मेरे समक्ष एक प्रकरण चला जिसमें अभियुक्ति को ले जाकर उसके साथ विवाह किया। अभियुक्ति के माता पिता ने गुमशुदी की रिपोर्ट लिखाई, जिसकी जांच में ये पाया गया कि अभियुक्ति ने विधिवत विवाह किया है और उसके मामा पक्ष उपस्थित थे, लेकिन
बाद में अभियुक्ति के मिलने पर उसके पिता ने रिपोर्ट कराई और चालान पेश किया। विवेचक ने गुमशुदी रिपोर्ट को जांच में छुपा लिया। बाद में गुमशुदी रिपोर्ट बचाव पक्ष द्वारा तलब की गई और अभियुक्त के पक्ष में निर्णय। कहीं ना कहीं अन्वेषण पक्षपात रहित नहीं था, क्योंकि अन्वेषण में विवेचक को चाहिए कि कम से कम अन्वेषण निष्पक्ष हो, क्योंकि इसमें पीड़िता के साथ साथ अभियुक्त की पर्सनल लिबर्टी भी दांव पर लगी रहती है। इसी प्रकार का एक प्रकरण और मेरे सामने चला, जिसमें रिपोर्ट में लिखाया गया कि मृतक छाता और रसिया लेकर गया था और नदी के पास मृतक का शव और छाता और रसिया मौके पर पड़े हुए। विवेचना में आरोपी का कथन लेखबद्ध कर घटना में प्रयुक्त हसिया से बरामद किया, चालान प्रस्तुत कर। विवेचक द्वारा यह देखा ही नहीं गया कि घटना में प्रयुक्त हसिया मौके पर ही पड़ा था, और इस प्रकार से निष्पक्ष विवेचना इस प्रकरण में भी नहीं हुई। यह त्रुटियां इसलिए भी हो जाती हैं कि कई बार एक ही प्रकरण में एक से अधिक विवेचक विवेचना में लग जाते हैं। तो एक विवेचक क्या विवेचना कर रहा है, दूसरा विवेचक क्या विवेचना कर रहा है, उसका उसमें तालमेल का अभाव रहता है और इस प्रकार की त्रुटियां देखने में आती। अन्वेषण की शक्ति कहां से और विवेचक को कैसे प्राप्त होती है, इस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान दें। जैसा कि हम जानते हैं कि धारा 154 दंड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है, सूचना प्राप्त होते ही विवेचक को अन्वेषण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 और 173 बहुत महत्वपूर्ण, जो अन्वेषण पर अन्वेषण को नियंत्रित करती है और न्यायालय को यह शक्ति है कि अपराध का अन्वेषण पर प्रभावी नियंत्रण रखे। जब कभी पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना होने पर प्रथम सूचना दर्ज नहीं करती है तो धारा 156 के अंतर्गत न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने का आदेश दे सकती है। धारा 173(8) में जब पुलिस के द्वारा चालान प्रस्तुत कर दिया जाता है और अन्वेषण उचित प्रकार से ना किया गया हो, तब भी न्यायालय को शक्ति प्राप्त है कि वह विचारण होने के पूर्व तक अन्वेषण का पुनः आदेश दे सकती है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम सुब्रमण्यम विरुद्ध जानकी बाई क्रिमिनल अपील नंबर 102/11 निर्णय दिनांक 20/3/20 अवलोकनीय। चालान प्रस्तुत होने के बाद अपराध का विचारण होने के पूर्व भी विचारण का आदेश दिया जा सकता है। इस संबंध में बिनू भाई हरी भाई मालवीय विरुद्ध गुजरात राज्य अभियुक्त। इन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना है, इस पर नियंत्रण अधिवक्तागण आसानी से रख सकते हैं और उनका यह दायित्व भी है कि वह अन्वेषण में आई कमियों को तथा बचाव पक्षी साक्षीकृत करने का प्रयास करें, क्योंकि कुछ साक्ष्य ऐसी होती है जो बचाव से संबंधित होकर कई वर्षों बाद एकत्र नहीं की जा सकती, जैसे कॉल डिटेल, सीडीआर, अभियुक्त के अन्य स्थान पर होने की साक्ष्य। लेकिन यदि विचारण के पश्चात बचाव की स्टेज पर इन तथ्यों को लाया जाए तो ये संभव है कि साक्ष्य नष्ट हो चुकी है और उपलब्ध नहीं। इसलिए बचाव पक्ष को चाहिए कि अन्वेषण के दौरान ही अपने बचाव पक्ष की जो साक्ष्य है उसको विवेचक को एकत्र करने के लिए या न्यायालय के माध्यम से एकत्र करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ अधिनियमों में अन्वेषण के अधिकार समस्त पुलिस अधिकारियों को नहीं है, कुछ विशेष पुलिस अधिकारियों को अन्वेषण का अधिकार दिया गया है। जैसे SC/ST एक्ट के मामलों में उप पुलिस अधीक्षक से निम्न स्तर के अधिकारी को अन्वेषण का अधिकार नहीं,
लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य ने अधिसूचना के द्वारा थाना प्रभारी को भी अन्वेषण का अधिकार दे दिया, लेकिन यह अधिकार पुलिस अधीक्षक के अधिकार के अधीन है, इसलिए प्रत्येक प्रकरण में पुलिस अधीक्षक के अन्वेषण प्रदान करने के आदेश को चालान के साथ प्रस्तुत करना चाहिए और इसे प्रमाणित करना चाहिए। जहां तक बचाव का प्रश्न है, वह इस तथ्य को चुनौती दे सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक के आदेश के बिना अन्वेषण किया गया है। जहां तक एजे के थाने का प्रश्न है, उन्हें शासन के द्वारा SC/ST एक्ट की विवेचना के लिए अधिकृत किया गया है, इसलिए उन्हें पुलिस अधीक्षक के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार पॉक्सो एक्ट में भी अन्वेषण के दौरान पीड़िता का कथन केवल महिला उप निरीक्षक के द्वारा लिए जाने का प्रावधान, अतः इस तथ्य को भी विवेचना में ध्यान रखना चाहिए और इस तथ्य को विचारण के दौरान चुनौती दी जा सकती है, लेकिन यह अधिकार पीड़िता के अधिकार से संबंधित है और इसको चुनौती देने से मेरे मत में कोई विशेष लाभ अभियुक्त पक्ष को प्राप्त नहीं हो सके। अन्वेषण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के पश्चात सर्वप्रथम नक्शा मौका तैयार किया जाता है। कई प्रकरणों में नक्शा मौका पटवारी से FSL के वैज्ञानिक से भी तैयारी कराया जाता है। मेरी राय के अनुसार हर प्रकरण में पटवारी से नक्शा मौका तैयार कराना की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार FSL अधिकारी से भी नक्शा मौका बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। FSL अधिकारी केवल विवेचक को मार्गदर्शन देने और कार्रवाई किस प्रकार से की जाना है इस पर मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन चालान के साथ वैज्ञानिक का नक्शा मौका रिपोर्ट करने से कई बार विरोधाभासी तथ्य सामने आ जाते हैं। कई बार प्रकरणों में विवेचक द्वारा कुछ नक्शा तैयार कर लिया जाता है और FSL वैज्ञानिक द्वारा कुछ नक्शा मौका तैयार है। यह विरोधाभास इसलिए आता है क्योंकि विवेचक द्वारा नक्शा या तो पहले बनाया जाता है या बाद में बनाया जाता है। ऐसे में परिस्थितियां बदल जाती हैं और कई बार दो घटना स्थल मौके पर प्रमाणित हो जाते हैं, क्योंकि अभियान के लिए नुकसानदायक है। अतः मेरी राय में विवेचक को ही संपूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। FSL अधिकारी से नक्शा मौका बनाया जाना आवश्यक नहीं है। पटवारी से भी नक्शा मौका बनवाया जाना उन प्रकरणों में जरूरी है जहाँ सीमा संबंधी विवादों तथा ऐसे प्रश्नों में जहाँ अभियुक्त की उपस्थिति किसी विशेष स्थान पर प्रमाणित करने से पटवारी का नक्शा मौका आवश्यक हो जाता है। उदाहरण स्वरूप किसी प्रकरण में अज्ञात अभियुक्तों की उपस्थिति केवल CDR रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित किया जा रहा है, वहां दर्शित करने के लिए कि संबंधित मोबाइल टावर किस स्थान पर लगा हुआ है, उसका सर्वे नंबर घटना स्थल वाले स्थान पर मिलान करने से आशय पटवारी की रिपोर्ट आवश्यक हो सकती है। अन्वेषण के दौरान अनावश्यक साक्षियों को साक्षी बनाए जाने का प्रकरण लंबित होता है तो विरोधाभासी साक्ष्य क्षति पहुंच सकती है। DNA परीक्षण के लिए नमूनों का संकलन और अग्निशण की प्रक्रिया धारा 53A में दी गई है, जैसा पूर्व में बताया गया। DNA फिंगरप्रिंट के विश्लेषण के लिए मातृत्व और पितृत्व की स्थापना के लिए हमें माँ, विवादित बच्चे और कथित संदिग्ध पिता के रक्त की आवश्यकता होती है। इस प्रकार तीन व्यक्तियों के रक्त के नमूने के आधार पर बच्चे के बायोलॉजिकल माता पिता की जांच की जा सकती है और हमें तीन व्यक्तियों का रक्त नमूना आवश्यक होता है। यौन उत्पीड़न वाले मामलों में बलात्कारी की पहचान के लिए हमें संदिग्धों वाले अभियुक्तों जितने अभियुक्तों और पीड़िता के खून के साथ फॉरेंसिक प्रदर्शन अर्थात वस्त्र, योनी स्वैप, स्लाइड की आवश्यकता होती है। मृतक की पहचान के लिए मृतक की भौतिक वस्तुओं के साथ साथ निकटतम रिश्तेदारों अर्थात माता, पिता, भाई और बहन और बच्चों के खून की आवश्यकता होती है।
जैसे दांत, पोस्टमार्टम, रक्त, मांसपेशियों के उत्तर, हड्डी, बाल, जड़ और मामले के लिए अन्य सामग्री की आवश्यकता। संबंधित व्यक्तियों के रक्त नमूने को ब्लड स्कैन कार्ड पर एकत्र किया जा सकता है। ये ब्लड स्कैन कार्ड FSL लेबोरेटरी द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जहां पर माता पिता परिवार का विवाद जो हो और माता पिता की जांच की जाना हो, वहां पर नमूना संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की उपस्थिति में भेजा जाना चाहिए, उनके फोटो लगाने चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए। जब हम ब्लड का नमूना लेते हैं तो ब्लड का नमूना ब्लड स्टैंड कार्ड पर लेने के बाद उसे सुखाना पड़ता है, लेकिन उसे केवल सामान्य प्रक्रिया माने हवा में ही सुखाया जाना चाहिए। कई बार सुखाने के लिए कार्ड को अन्य किसी मशीनों या गर्म कर उसको सुखा लिया जाता है, जो कि उचित नहीं। रक्त के नमूने को सूखे कागज पर या कपड़ों पर लपेटना चाहिए। मांसपेशियों को फॉर्मलिन में संग्रहित नहीं करना चाहिए। लगभग 100 ग्राम मांसपेशियों को सोडियम क्लोराइड के या क्रिस्टल नमक के घोल में ही सुरक्षित किया जा सकता है, अन्यथा DNA प्रभावित हो जाता है। योनि स्वाब के संबंध में सूखी रुई में एक साथ सूखे कांच की शीशी के बोतल में रखकर संग्रहित किया जाना चाहिए। दांत, बाल, जड़, हड्डियों को जो कि साबुत होनी चाहिए, सूखे कागज या कपड़े में लपेट कर उसे रखना चाहिए। पूरी तरह से जली हुई हड्डियां या हड्डी की राख या विघटित मांसपेशियां या ऊतक DNA के लिए सहायक नहीं है। DNA परीक्षण हेतु नमूना संग्रहित करने के लिए हमेशा दस्ताने पहनकर उसे संग्रहित करना चाहिए। भंडारण के लिए शीत एवं शुष्क वातावरण में उसे रखना चाहिए। नमूने को कमरे के तापमान में ही रखना चाहिए। ये सारी सावधानियां हमें रखना चाहिए और जो लेबोरेटरी द्वारा अपने मापदंड दिए गए हैं, जो FSL सागर की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसे हमें पालन करते हुए देखना चाहिए। हम इस प्रश्न पर विचार रखें कि क्या अभियुक्त DNA की मांग कर सकता है। इस प्रश्न को विचार करने के पूर्व हम सामान्य रूप से देखें कि अभियुक्त एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मालूम रहता है कि उसने अपराध किया है या नहीं। ऐसी स्थिति में यदि अभियुक्त निश्चित है कि उसने अपराध नहीं किया है और DNA रिपोर्ट अगर किसी प्रकार से उसके खिलाफ आ रही है, तो अभियुक्त जो है अपने रक्त नमूने से उन्हें DNA परीक्षण की मांग कर सकता है, क्योंकि यह साक्ष्य एक अतिरिक्त साक्ष्य होगी जो पूर्व के DNA का खंडन करेगी। टावर लोकेशन की जांच के संबंध में अभियुक्त को अधिकार है। ये मेरा मानना इसलिए है कि अभियुक्त अपना बचाव विवेचना के दौरान विवेचक को रख रहा है और विवेचक कुछ प्रश्न की जांच नहीं कर रहा है। न्यायालय में अभियुक्त आवेदन देकर धारा 156 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इस बिंदु पर विवेचना करने के लिए आदेश प्रदान करा सकता है और ये आवश्यक भी है, क्योंकि टावर लोकेशन और CDR की रिपोर्ट जो है वो घटना के कई वर्षों बाद प्राप्त नहीं हो सकती। रेप के संबंध में पीड़िता के कपड़ों और स्वाब का नमूना कितने वर्षों तक लिया जा सकता है, यह एक प्रश्न भी उत्पन्न होता है। तो मेरा मत यह है कि यदि सुरक्षित रखे गए हैं कपड़े तो इसके लिए कोई सीमा नहीं है, केवल इतना ही है कि उस पर स्वाब लगा हो, रक्त के ब्लड स्टैन लगे हो और कपड़े अगर सुरक्षित हैं तो उसका नमूना लिया जा सकता है। लेकिन अगर सुरक्षित नहीं रखे गए हैं तो नमूना
प्राप्त नहीं हो सके। मैंने इस संबंध में अपने अनुभव और विचार आप सबके समक्ष शेयर किए और मुझे लगता है कि श्रोतागण इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।